हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको राजपूती सूट के लिए मगजी की कटिंग, उसे बनाने का तरीका, सही से किस तरीके से बनाएं और उसे सूट के ऊपर किस तरीके से स्टिच करें और उसके बाद मगजी को फोल्ड किस तरीके से करें, उसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। तो आज का इस वीडियो में आपको पूरा मगजी के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग के लिए 32 इंच का कपड़ा लिया है पूरे सूट के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरफ से कपड़ा एकदम सीधा है, तिरछा नहीं होना चाहिए कपड़ा बिल्कुल भी सीधा। जिस साइड से सीधा है उस तरफ कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आप फोल्ड कर दीजिए, जिस तरफ से सीधा है उस तरफ से, क्योंकि अगर कपड़ा सही से उरेब नहीं हुआ तो मगजी में बेलन पड़ती है। अब हम इसकी सारी सलवटें मिटा देंगे। देखिए, इसको फोल्ड करते हैं तब जो बीच वाला साइड है, यानी कि उरेब वाला साइड है, वहाँ पर बेलन ना पड़े, इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कपड़ा ट्रायंगल शेप में हो गया, इसकी सारी सलवटें भी हमने निकाल दी हैं। अब हम कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये वाला कोना है यहाँ तक। पहले हम इसमें से लहंगे की मगजी कट करेंगे। ये हमने इसे एक साइड में फोल्ड कर दिया। अब हम मगजी की साइज लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम फोल्डिंग वाली मगजी बना रहे हैं, तो लगभग 5.5 इंच की हम मगजी कट करने वाले हैं। तब कपड़े को हम फिर से इस तरफ फोल्ड कर देंगे, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड इस तरफ फोल्ड कर देंगे, और साइज आप बराबर रखिएगा 5.5 इंच का। इस तरीके से मगजी कट करते हैं तो सारी मगजी जो है वो एक नाप के कट होती है और फटाफट भी कट हो जाती है। अब हम इसे वापस इस तरफ फोल्ड कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से 2-3 जगह से नाप लीजिएगा। मगजी एकदम बराबर होनी चाहिए, कहीं से छोटी और कहीं से बड़ी ना रखें, यहाँ से और यहाँ से भी। ठीक है, अब हम इसमें साइड में से इसे कट कर देंगे। आगे आपको इसी वीडियो में मगजी बनाना भी दिखाऊंगी और उससे किस तरीके से अच्छी फिनिशिंग के साथ किस तरीके से लगाते हैं, फिनिशिंग स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए, लहंगे की मगजी एक साथ और फटाफट कट हो गई है। जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब हम कुर्ती और कांचली की मगजी कट कर लेते हैं इसी कपड़े में से। तो हमें इस कपड़े को सीधा करना है और फिर से फोल्ड करना है, थोड़ा छोटा करके। छोटा करके हम फोल्ड करेंगे तो मगजी सही से कट होगी, एक नाप की कट होगी और फटाफट भी कट हो जाएगी। अब हम इसे और छोटा कर लेंगे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए और फिर मगजी कट कर लेंगे। अगर आपसे सीधे मगजी नहीं कट हो रही तो आप पहले इंची टेप से नाप के फिर चौक से निशान लगा दीजिए, फिर एक पट्टी कट कर लीजिए मगजी की, उसके बाद कटी हुई पट्टी को कपड़े पर रखिए और उस नाप की और कट कर लीजिए। इसकी जो साइज है वो लगभग 2.25 से 2.5 इंच की रखेंगे। अगर आपका कपड़ा लचीला है तो थोड़ी मोटी कट कीजिएगा, यानी कि 2.5 इंच तक कट कर लीजिएगा, वरना 2.25 इंच की काफ़ी है। ठीक है, अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए, जॉइंट करने का तरीका आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, जॉइंट करते हैं तो मगजी को देखिए कुछ इस तरीके से रख देते हैं, तिरछा कर देते हैं, तो वो मगजी बिल्कुल भी सही नहीं जॉइंट होगी और न ही बिल्कुल सही से बनेगी। तो आपको देखिए इस तरीके से जॉइंट करना है कि जो कपड़ा है वो बराबर रहे जॉइंट होने के बाद, ये कुछ इस तरीके से रखना है। मगजी सही से जॉइंट होगी तो सही से बनेगी। सारी मगजी को एक साथ जॉइंट कर लीजिए। कुर्ती और कांचली की जो छोटी वाली मगजी है वो भी इसी तरीके से कट कीजिएगा, सॉरी जॉइंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणे की जो पट्टी है वो कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से दोनों तरफ से कपड़ा बराबर है मगजी जॉइंट होने के बाद। अब हम यहाँ पर फोल्डिंग वाली मगजी बना रहे हैं, तो कपड़े को मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड बीच में से, और दूसरी साइड जो नीचे वाला पार्ट है पल्ला है उसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे लगभग 1/2 इंच फोल्डिंग करने के लिए। अब हम गुणे की पट्टी कट कर लेते हैं, लगभग 1/4 इंच चौड़ी गुणे की पट्टी कट कीजिएगा। गुणा बनाने का वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अब इसके बीच की जो सिलाई है वो निकाल लीजिए और पट्टी को लंबा बना लीजिए। मगजी में फोल्डिंग वाला कपड़ा आप साइड में जरूर रखिएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर हम गुणे की पट्टी को रखेंगे। पहले आप शुरुआत में से ही आप देख लीजिए कि मगजी फोल्ड करने के बाद सही है, यानी उसमें बेलन तो नहीं पड़ रही है। अगर उसमें पहले ही बेलन पड़ रही है तो आपकी मगजी सही से फोल्ड नहीं हुई है। उसे पहले अच्छे से फोल्ड कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर स्टिचिंग लगाना स्टार्ट कीजिए। गुणे की पट्टी के बीच में सिलाई लगानी है, पट्टी को या फिर मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, पीछे से पकड़ते हुए सिलाई लगा दीजिए। देखिए, पहले आप अच्छे से सेट कीजिए मगजी को, उसके बाद गुणे की पट्टी रख के फिर सिलाई लगाएं।
और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉबिन में आप कपड़े के अलग कलर का धागा पिरोए, वरना आपको गुणा निकालने में दिक्कत आएगी। और ये देखिए कपड़ा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। पहले हम गुणे की पट्टी को फोल्ड करेंगे, उसके बाद मगजी को फोल्ड करते हैं। अब जो कुर्ती और कांचली की मगजी है वो भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहले फोल्ड करना है और एक तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग के लिए। मगजी को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटी छोटी ही मगजी बनाइएगा। फोल्डिंग वाला कपड़ा चाहे कम रहे या ज़्यादा, लेकिन जो आप मगजी बना रहे हो वो एक साइज की होनी चाहिए। कहीं पर छोटी और कहीं पर बड़ी ना रखो। मगजी बनाओ तो थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के मगजी बनाइएगा। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, ये फोल्डिंग का कपड़ा रह गया है। और ये देखिए मगजी एकदम इतनी सी बनानी है, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा बड़ी मगजी भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा छोटी भी नहीं लगती है। मगजी एक नाप की बनाइएगा, कहीं पर छोटी और कहीं पर बड़ी ना रहे। थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के फिर सिलाई लगाएं। इससे मगजी एकदम आसानी से बन जाती है और एक नाप की बनती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मगजी को सही से लगाने के लिए और गुणे को अच्छे से फोल्ड करने के लिए इसके ऊपर आयरन कर लेंगे, गुणे को एक साइड में फोल्ड करते हुए। कई बार हम मगजी लगाते हैं तो गुणे को फोल्ड करने में दिक्कत आती है, गुणा कहीं पर अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, या फिर फोल्ड हो जाता है तो मगजी खिंच जाती है या फिर लूज रह जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, गुणे को पहले ही इस तरीके से देखिए एक साइड में फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आयरन कर देनी है, प्रेस कर देनी है अच्छे से, ताकि गुणा अगर एक साइड में दब जाएगा तो हमें इसे निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए पट्टी अब इस तरफ फोल्ड हो गई है। दोनों मगजी पर इसी तरीके से आप आयरन कर लीजिए। इसे आपको बहुत ही ज़्यादा सरलता मिलेगी आपको सूट सिलने में और बहुत ही अच्छे से सूट सिलाई होगा। गुणा अगर अच्छे से नहीं दबता है तो वो बाहर की तरफ अच्छे से दिखता भी नहीं है, कहीं पर छोटा और कहीं पर बड़ा दिखता है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा और मगजी लगाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपको जहाँ पर मगजी लगानी है वो ले लीजिए कपड़ा और मगजी को यहाँ पर सीधे ही रख दीजिए, क्योंकि पट्टी फोल्ड हो चुकी है पहले ही, उसे अब हमें फोल्ड नहीं करना होगा। अब हमें गुणा बराबर निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरीके से नहीं लगा पा रहे तो आपको क्या करना है, जो मशीन का जो फुट है एक तरफ बाहर आया हुआ है बड़ा वाला है, इस पर आपको निशान लगा लेना है सेंटर में। मार्कर से आप निशान लगा सकते हो, फिर आप ये जो धागा है मगजी के ऊपर लगा हुआ इसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा लीजिए जितनी दूरी पर आपको चाहिए, इससे गुणा एकदम बराबर होगा। मार्किंग का निशान और ये जो सिलाई लगी है इन दोनों को आप मिलाते हुए फिर सिलाई लगाओगे तो आपको जो गुणा है वो एकदम बराबर आएगा। देखिए गुणा बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं है, अच्छे से दब गया और बहुत ही फिनिशिंग आ रही है। तो आप ये जो फुट है मशीन के ऊपर इसके ऊपर मार्क करके फिर उस निशान के हिसाब से आपको मशीन चलानी है। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के फिर सिले लगाए। ऐसा नहीं कि हम काफ़ी लंबी दूरी तक पकड़ लें और फिर सिले लगा दें, इससे गुणा बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा। अब हम इसकी फोल्डिंग करनी है तो देखिए यहाँ पर हमने बॉबिन के अंदर कपड़े के मैचिंग कलर का धागा पिरोना है। यहाँ पर मैं आपको 3 सिलाई से मगजी लगाना दिखा रही हूँ, फिर आपको 4 सिलाई से लगाना भी दिखा दूंगी। जो आपको तरीका पसंद आए वो आप यूज़ ले लीजिएगा। इसमें हमें लहंगे को उल्टा करना होगा जहाँ पर भी हमने मगजी लगाई उस कपड़े को, और मगजी को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ हमें एक सुई लेनी है, बड़ी वाली जो सुई आती है उसकी हेल्प लेनी है कपड़े को अंदर की ओर डालने के लिए। उसी हाथ से हमें कपड़े को भी दबाते हुए रखना होगा ताकि जब हम मगजी को अंदर की ओर फोल्ड करें तो वो कपड़ा जो है वो साथ में ना जाए। तो इस तरीके से हम सुई की हेल्प से कपड़े को अंदर की तरफ डाल देंगे और फिर स्टिच कर देंगे, इससे मगजी फोल्डिंग हो जाएगी और हमें 3 सिलाई ही लगानी पड़ेगी, 4 सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगी, लेकिन उसमें हमें क्या है 4 सिलाई लगानी होगी 3 की जगह से। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन फिनिशिंग दोनों में बराबर आती है। ये देखिए इसमें जो धागे हैं वो कहीं से भी बाहर की ओर नहीं दिख रहे और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, फिनिशिंग एकदम अच्छी है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप कपड़ा अच्छे से फोल्ड करो, अंदर की तरफ अच्छे से डालो और जो आप सिलाई लगा रहे हो वो भी बराबर दूरी पर लगाओ। ऐसा नहीं कि कहीं पर कम दूरी पर और कहीं पर ज़्यादा दूरी पर, बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, जो हमने मगजे का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए उसे पहले ही अंदर की ओर फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और एक सिलाई लगा देनी है किनारे पर। ये कुछ इस तरीके से, इसमें हमें एक सिलाई ज़्यादा लगानी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब अंदर की तरफ अगर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दे तो उसे आप कट कर लीजिएगा।
फिर आप इसे या तो सीधा करके सिलाई लगा दो या फिर इस तरीके से उल्टा करके भी लगा सकते हो। सीधा करके लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इतनी दूरी पर हमें सिलाई लगा देनी कि जो मगजी का वो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। सीधा करके कपड़े को सीधा करके लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए इसमें भी फिनिशिंग अच्छे से आ गई है, बराबर आती है। इसमें भी कपड़े के धागे जो है वो बाहर की ओर नहीं दिखते हैं कहीं से भी, और बाहर की तरफ से भी जो गुणा है वो एकदम सही से दिखेगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप जरूर यूज लीजिएगा और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। इसमें फिनिशिंग देखिए बाहर की तरफ, ये देखिए यहाँ पर हमने 4 सिलाई और 2 सिलाई दोनों साथ में ही लगा रखी है, 3 सिलाई वाली और 4 सिलाई वाली, कहीं पर भी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। फिनिशिंग दोनों में अच्छे से आएगी, और अगर आप इस तरीके से मगजी कट करोगे, बनाओगे और लगाओगे तो आपकी जो मगजी है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, उसमें कभी भी बेलन नहीं पड़ेगी, और एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ आप सूट सिल पाओगे। उसके बाद पूरा सूट स्टिच हो जाए उसके बाद इसके ऊपर आप फिर से आयरन कर दीजिएगा ताकि लुक इसका और भी अच्छा हो जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।